हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C21 वाई फ़ोन में आप लोग पैटर्न लॉक को कैसे तोड़ सकते हो। अगर आपके फ़ोन में किसी ने पैटर्न लॉक लगा दिया है और आप लोग जो है पैटर्न लॉक भूल चुके हो, अगर आप लोगों ने खुद ही जो है पैटर्न लॉक लगाया था और आप लोग यहाँ पर पैटर्न लॉक जो है वो भूल चुके हो कि पैटर्न लॉक क्या था और आप लोग पैटर्न लॉक को खोल नहीं पा रहे हो, तो मैं आज के वीडियो में बताऊंगा गाइस कि कैसे आप लोग इस पैटर्न लॉक को तोड़ सकते हो। अगर आपके फ़ोन में भी कुछ इस तरीके से पैटर्न लॉक लग गया है तो कैसे आप लोग इस पैटर्न लॉक को तोड़ोगे, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे फ़ोन में कुछ पैटर्न लॉक यहाँ पर लग गए हैं, तो मैं इसको आप लोगों को खोल के दिखाऊंगा आपके सामने। ठीक है गाइस, तो पैटर्न लॉक को तोड़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर लेना है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन में चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में 20% से कम है तो आप लोगों को पैटर्न लॉक को नहीं तोड़ना है। पहले आप लोगों को चार्ज कर लेना है अपने फ़ोन को 40% या 50% ऐसे करके आप लोग चार्ज को रख सकते हो। तो चार्ज को ज़्यादा रखने के बाद पैटर्न लॉक को तोड़ने के लिए आप लोगों को पावर ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को पावर बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो फ़ोन है वो पावर ऑफ हो जाएगा। पावर ऑफ होने के बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, पैटर्न लॉक को तोड़ने के लिए यहाँ पर हमें इन तीन बटन्स के मदद लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर पावर बटन, वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप बटन, तीन बटन होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है गाइस, पावर बटन और इस वॉल्यूम अप बटन, जिससे आप लोग वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हो या वॉल्यूम को बढ़ाते हो, तो दोनों को आप लोगों को एक साथ में क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने से रियलमी का लोगो आएगा, तब आप लोग लोगो आते ही आप लोग इस पावर बटन को छोड़ सकते हो। पावर बटन को छोड़ दीजिए लेकिन वॉल्यूम अप बटन को मत छोड़िए। ऐसा करने से आपके फ़ोन में एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये रहा पावर बटन और ये रहा वॉल्यूम अप बटन, जिससे हम लोग वॉल्यूम को ज़्यादा करते हैं। तो दोनों को एक साथ में क्लिक करना है, 1, 2, 3। तो मैंने दोनों को एक साथ में क्लिक कर दिया है। तो क्लिक करने के बाद रियलमी आएगा लोगो, तो हम पावर बटन को छोड़ देंगे लेकिन हम वॉल्यूम अप बटन को नहीं छोड़ेंगे। देख सकते हो आप लोग, मैंने अभी तक पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे करके सेटिंग्स आएगा, अभी आप लोग छोड़ दीजिए इसको। तो देख सकते कुछ चाइनीज़ में यहाँ पर लिखा हुआ आया है यहाँ पर। तो अगर आपके फ़ोन में हिंदी में लिखा हुआ आया है तो यहाँ पर से आप लोगों को फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा चाइनीज़ में, तो आप लोग किस पे क्लिक करोगे, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं जो एकदम लास्ट वाला ऑप्शन है, एकदम लास्ट में जो ऑप्शन है, आप लोगों को उस पर क्लिक करना होगा। तो आप लोग स्क्रीन टच करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन टच करूँगा तो ये लास्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, हम इस पर क्लिक कर देंगे और एक बार। तो क्लिक करते ही देख सकते हैं फ़ोन थोड़ा हैंग हो रहा है क्योंकि फ़ोन ऑफ होगा अभी। तो देख सकते हैं मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है और ऑटोमेटिकली ऑन भी हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऑन होने में, अभी कुछ इरेजिंग वेरेजिंग होगा और आप लोगों का जो पैटर्न लॉक है वो भी यहाँ पर तोड़ा जाएगा, इसलिए ऑन होने में 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं और आपका फ़ोन थोड़ा हीट भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन जो है वो ज़रूर से ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑन होने के बाद कुछ सेटअप करने होते हैं गाइस। आप लोगों को अगर सेटअप करना नहीं आता है तो मैं आप लोगों को सेटअप करना भी सिखा दूंगा इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए गाइस। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रियलमी लिखा हुआ आया है यहाँ पर और इसमें टाइम लगेगा ऑन होने में, तो मैं आप लोगों को सीधा सेटअप करना सिखा दूँगा ऑन होने के बाद। तो देख सकते गाइस मेरा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया है, तो इसको अभी सेटअप करेंगे। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आए हैं, तो यहाँ पर से आप लोगों को लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर से सभी को आप लोगों को एग्री करना है। अगर आप लोग एग्री नहीं करोगे तो नीचे जो ये कंटिन्यू का ऑप्शन है वो कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर से सभी को एग्री करना होगा, एग्री करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और एग्री कर दीजिए। एग्री करते ही देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया है, अभी आप लोगों को इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ देख सकते हैं यूज़ मोबाइल डाटा का ऑप्शन आया है, यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल डाटा यूज़ करने के लिए ऑप्शन आया है। लेकिन हम यहाँ पर मोबाइल डाटा को यूज़ नहीं करेंगे गाइस, हम इसको ऑफ़ कर देंगे।
ऑफ करने के बाद नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई यहाँ पर कनेक्शन आया है वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर वाईफाई को कनेक्ट नहीं करेंगे गाइस, यहाँ पर हम वाईफाई को कनेक्ट नहीं करेंगे। नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, हम इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ गूगल सर्विसेज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर से आप लोग इन सबको पढ़ सकते हो और यहाँ पर एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। पढ़ते पढ़ते नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, इस एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ अनलॉक मेथड का ऑप्शन आया है, यहाँ पर आप लोग पासवर्ड को सेट कर सकते हो, फेस अनलॉक को ऐड कर सकते हो, लेकिन हम किसी को भी यहाँ पर से ऐड या सेट नहीं करेंगे। नहीं करने से कंटिन्यू का ऑप्शन भी नहीं आएगा गाइस, लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते स्किप का ऑप्शन ज़रूर से आ जाएगा, आप लोगों को इस स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ग्लेंस फॉर रियलमी पर्सोनलाइज सर्च, तो इन सबको आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़ के इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑन ऑफ करने के बाद नीचे एक डन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रिकमेंडेड एप्लीकेशन आएगा गाइस, यहाँ पर से इन सबको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो और बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो ये वाला ऑप्शन क्लिक करने से, लेकिन यहाँ पर से हम इन सबको डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ स्किप का ऑप्शन है, हम स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर Realme UI लिखा हुआ आएगा और नीचे एक ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड का, तो हम गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो, और ये फ़ोन जो है वो ऑन हो गया और फ़ोन में जितने भी डाटा वगैरह थे वो सब डिलीट हो गए गाइस, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया हमारा फ़ोन। अभी सबसे पहले हम अपने पैटर्न लॉक को देख लेते हैं, तो हम पावर ऑफ करते हैं फ़ोन को, स्क्रीन ऑफ, उसके बाद स्क्रीन ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर पैटर्न लॉक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी पैटर्न लॉक नहीं है, पैटर्न लॉक जो है वो खुल गया। मैं आप लोगों को और एक बार ही दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं मेरे फ़ोन में जो पैटर्न लॉक था वो खुल गया है। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Realme C21Y फ़ोन में पैटर्न लॉक को तोड़ सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।